नमस्कार प्यारे साथियों, कल हमने कुछ टूल्सों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और उन टूल्सों को समझने की कोशिश करे थे कि कौन से टूल्सों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो टूल्स का यूज किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। आज हम जो पढ़ेंगे उससे आगे का टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से टूल्सों में क्या होता है। मेरे ख्याल से अपन तीन टूल्स पढ़ चुके थे, आज जो चौथा टूल्स पढ़ना है वो पढ़ना है हमको नोच प्लायर। क्या पढ़ना है? नोच प्लायर। ये एक प्रकार से आपकी कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह होती है, बस फर्क इतना है कि इसकी जो नोच होती है, सामने की जो पकड़ होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। एवं इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई नट वगैरह है, जो छोटे नट होते हैं, और जो सकरीण जगह, सकरीण जगह का मतलब यह होता है जो छोटी जगह पर होते हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते स्पैनर से, उन नटों को खोलने के लिए, आसानी से खोलने के लिए इनका यूज किया जाता है। किसका? नोच प्लायर का। अब नोच प्लायर का इलेक्ट्रिसिटी में मेन रोल क्या है उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। यह इंसुलेटेड दस्ते एवं लंबी व चपटी चोंच वाली प्लायर होती है, यह हमको मालूम है। दूसरी चीज, यह प्लायर, क्वेश्चन में ध्यान रखना, नोच प्लायर से अगर कोई चीज आती है तो वो आती है यह प्लायर की लंबाई कितनी होती है, यह आपका क्वेश्चन मिल जाता है। क्या पूछा जाता है कि नोच प्लायर की लंबाई कितनी होती है? तो नोच प्लायर की लंबाई 150 mm से 150 mm कितनी होती है, 150 mm लंबी, या कह सकते हो आप 15 cm लंबी होती है। कौन? नोच प्लायर। पहली चीज, छोटे आकार के नट को कसने में काम में लिया जाता है, ये पॉइंट का भी ध्यान रखना हमको। किस चीज की बोल रहा हूं, छोटे आकार के जो नट होते हैं उनको कसने में किसका यूज किया जाता है, आपकी नोच प्लायर का। इसके बाद में किया जाता, अब दूसरी चीज क्या होता है कि जो नोच प्लायर होती है वो चार पांच प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की, चार पांच तो कम से कम होती होती हैं। हमसे ज्यादातर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में किस प्रकार की नोच प्लायर का उपयोग किया जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें किस प्रकार की नोच प्लायर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में जो नोच प्लायर का यूज किया जाता है उस प्लायर के बारे में हमसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा ध्यान रखना आप लोग, लॉग नोच प्लायर, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें लॉग नोच प्लायर का यूज किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। बाकी कितने प्रकार से होती है, फ्लैट नोज होती है, राउंड नोज होती है, वेंट नोज होती है, बहुत सारे ये भी लिखा भी है। इलेक्ट्रिसिटी में नोज प्लायर का यूज किया जाता है। ये हमसे इसमें से टॉपिक में से पूछा जाता है कि कौन से प्रकार की प्लायर का यूज किया जाता है, तो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साइट कटिंग प्लायर। कौन सा प्लायर है? साइट कटिंग प्लायर, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए हमको। साइट कटिंग प्लायर, अभी जब तक मैं आपको इमेज नहीं दिखाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा किस प्लायर किस प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं साइट कटिंग प्लायर, यह हमारा जो है वो साइट कटिंग प्लायर है। इस साइट कटिंग प्लायर में आप देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका यूज काय में किया जाता है साइट कटिंग प्लायर का, तो इसका यूज किया जाता है किसी केबल को काटने के लिए, इसका यूज किया जाता है। किसका? साइट कटिंग प्लायर का। इसके बाद में आपका जो होता है साइड कटिंग प्लायर की जानकारी में अगर आपको रखना है साइड कटिंग प्लायर की, तो सबसे आगे ये जो लगा होता है ये कटर होता है। क्या होता है? कटर, मतलब किसी चीज को काटने के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी की चीज। इसके बाद में ये जो होता है ये दस्ताने टाइप का लगा होता है, जिसको हैंडल हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। लेकिन इसका जो यूज होता है वो सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि इससे हम दबाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर इंसुलेशन लगा होता है जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लगे। क्या ना लगे? झटका ना लगे। दूसरी चीज,
साइड कटिंग जो प्लायर होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक रखी जाती है। इसकी साइड कटिंग प्लायर की लंबाई 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर लंबाई होती है साइड कटिंग प्लायर की, प्लस इसका यूज छोटे व्यास तारों को काटने में किया जाता। अब छोटे व्यास के तार कितने, तो वो किया जाता 4 मिलीमीटर, मतलब आपके 4 मिलीमीटर के जो वायर हैं उनको काटने के लिए किया जाता है। अब आप में से काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि 4 मिलीमीटर का वायर क्या होता है, किस प्रकार से होता है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब आपकी क्लास चलती है तो उस टाइम पे जब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मैं बीच बीच में मिटाता हूं इसको। तो स्थिति क्या होती है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है छोटे व्यास, मेन चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि छोटे व्यास होते क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, कोई वायर है आपका, वायर को मापते किससे, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए। वायर को मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो SWG, इसका यूज किया जाता है। किसको, वायर को मापने के लिए। ये एक प्रकार से इस तरीके से होता है चक्र, सुदर्शन चक्र जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से ये होता है। इसमें खांचे बने होते हैं, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। 0.42 ये सबसे हाईएस्ट, इसका मतलब कम उसकी लंबाई का रखा जाता है। अब जिस तरीके से हम इसको मापते हैं वो किससे मापते हैं, SWG से वायर को मापते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका फुल फॉर्म होता है SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज। अब जो व्यास की बात हो रही है हमारी, किसकी बात हो रही है, व्यास की, छोटे व्यास। तो मतलब जब वायर को मापते हैं तो उसकी व्यास जो होती है, वायर आपका इस तरीके से है, अब इसको जो मापते हैं तो इसकी जो मोटाई होती है, ये आपको पतला वायर दिख रहा होगा लेकिन नहीं, पर अगर मैं ऐसे करूं तो ये आपको मोटे व्यास का वायर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसकी मोटाई इससे अधिक होगी कि नहीं होगी। जब इसकी मोटाई कम होगी इसकी ज्यादा होगी तो हम काय में बोलेंगे कि इसकी मोटाई ज्यादा है इसकी कम है, तो किस में बोलेंगे, आपने SWG से मापा तभी तो बोलेंगे। और क्या मापा है, तो इसका व्यास मापा है। क्या मापा है, व्यास। व्यास मतलब होती मोटाई, वायर का हमेशा व्यास मापा जाता। समझ लो जैसे 7/22 लिखा है, तो 7 क्या है, अंश है, और अंश क्या है, वायर की संख्या है, और 22 हर है, ये क्या है, वायर की मोटाई है। अगर 22 लिखा है तो ये मोटाई है, नीचे का जो होता है वो वायर की मोटाई होती है और ऊपर का जो होता है वो वायर की संख्या होती है। किसी केबल में आपने देखा होगा कि कोई केबल अगर होती है तो उसमें देखा होगा आपने 6-7 वायर निकले होते, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 6 या 7 वायर की संख्या जो आपके अंश में दी है, और हर जो होता वो उसकी वायर की मोटाई है। कभी भी कोई भी वायर की मोटाई मापने के लिए उसका इंसुलेशन का माप नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान रखना। आप कैसे, जैसे एक आपका ये वायर है, इस वायर के ऊपर ये इंसुलेशन लगा है अचालक, इसको इंसुलेशन कहते हैं। अगर ये वायर की मोटाई मापना तो पहले मुझे इसका इंसुलेशन हटाना पड़ेगा, फिर मैं ओनली वायर की मोटाई मापूंगा, वही मेरी परफेक्ट माप कहलाएगी, ना कि इंसुलेशन के ऊपर से कहलाएगी। इसको मापने के लिए SWG का आपने यूज किया है, उसका यूज करते हैं, वही इसकी व्यास की बात हो रही है। अब ये क्या बोल रहा है, 4 mm, 4 mm का मतलब ये होता है वायर की जो मोटाई होती है उसको तो आप SWG से मापते हो, क्लियर हो गया बात, लेकिन मापते काहे में, तो मापते हैं सेंटीमीटर से नहीं मापते, किलोमीटर से नहीं मापते, आपका मीटर से नहीं मापते, कैसे मापते हैं, जब भी हम इसको मापते हैं तो सबसे छोटी इकाई से मापते हैं, वो है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर क्या होता है, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर बराबर
एक सेंटीमीटर होता है, एक स्केल में देखना आप मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर के बीच में 10 निशान बने होंगे, तो उसमें 4 मिलीमीटर को मापने के काम में ये आपका जो होता है इसका जो हम पढ़ रहे थे किसके द्वारा हम माप रहे थे इसको, जो सेकंड चीज हमने नोट करके रखे थे वो जिससे हम काटते थे साइड कटिंग प्लायर, कौन सी प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, इससे हम काट रहे थे, क्लियर। इसके बाद आता क्रिपिंग टूल। क्रिपिंग टूल होता कैसा है, छोटे प्रकार का जो हम यूज करते हैं जनरली आईटीआई में, आपकी कंपनियों में बड़े बड़े क्रिपिंग टूल का यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल में बहुत बड़े क्रिपिंग टूल होते हैं, जो छोटा वाला क्रिपिंग टूल होता है वो ये छोटा वाला क्रिपिंग टूल। अब ये जो क्रिपिंग टूल होता है ये सबसे ऊपर क्या होता है, इसका डाई होता, क्या होता, डाई, और ये जो होता है वो उसका हैंडल कहलाता, क्या कहलाता, हैंडल, और यहाँ पर रिचड लगी होती है, रिचड का मतलब यहाँ पर हम उस चीज को दबाते हैं इस तरीके से। अब ये देखो आप थोड़ा सा आप अच्छे से देखना, आपको दिख रहा होगा ये सभी चीजों की माप लिखी है 6.0, 4.0, ये सबकी माप 0.75, ये माप लिखी, यहाँ पर भी देखो 1.5, 2.5, ये सबकी माप लिखी, ये 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ये वायर की गेज होती, मैंने अभी आपको SWG बताया था, इसमें जो वायर फिक्स बनेगा वही उसकी वायर की माप होगी। अब इसमें इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है आपने देखा होगा आपके जो छोटे छोटे लग होते हैं, लग मतलब आपका एक वायर है, उस वायर में आपने देखा होगा एक कोई वायर ले लीजिए आप, उस वायर में हमको कनेक्शन करना है, मतलब उदाहरण के तौर पे एक मिनट मिटा दूं उसको, ये आपने सर्किट से लंबाई ली, ये आपका सॉकेट है, ठीक है, इस सॉकेट से एक आपने प्लस न्यूट्रल और एक आपने फेस लिया, ये फेस और न्यूट्रल आप मान लीजिए कहीं कनेक्शन करना आपको यहां पर ले गए, दूसरी जगह आपका बस बार लगा है, क्या लगा है, बस बार। अब ये क्या होता है, बसवार वो होता है जिससे हम कोई सप्लाई को आगे को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, सप्लाई को आगे को बढ़ाते हैं। आपने इस सप्लाई को यहां पर क्या कर रहे हो, बसवार में क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। अब जब आप इस सप्लाई को कनेक्ट करते हो तो कैसे करोगे आप कनेक्ट, उसका जो वायर लाओगे उस वायर को डायरेक्ट कई जगह क्या किया जाता है देसी यूज में, उसको सीधा लाते और उस पे लगा देते हो और उसको स्क्रू ड्राइवर से, आप स्क्रू ड्राइवर से क्या करोगे, उसको टाइट कर दोगे, क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे। जब कभी इलेक्ट्रिसिटी आएगी इसमें, जब कोई भी सप्लाई, जैसे मान लो आपकी 250 जो वोल्ट सप्लाई है सिंगल फेज की, वो आपकी सप्लाई जब इसमें चलती है तो जब लाइट आती है तो क्या होती है, स्पार्किंग होती, क्या होती है, स्पार्किंग होती है। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए आपका काय का यूज किया जाता, लग का यूज किया जाता, काय का किया जाता, लग का। लग किस प्रकार से होता है, एक आपका इस प्रकार से बना हुआ थिम्बल होता है जिसमें आपका इस तरह दोनों तरीके से पॉइंट इस तरीके से बने होते हैं कि आप इसको यहां पर लगा देते हैं, कैसे, इस तरीके से आपने इसको इसमें वायर को अंदर किया, अंदर करने के बाद आपने क्या किया, उस वायर को चपेट दिया, मान लो आपने इसको इस पे मतलब चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उस वायर को, जिस वायर की जो मोटाई है उसको उस हिसाब के खांचे में रख के और उसको क्या किया, दबा दिया, दबाने से वो आपका लग जो है उसमें क्या किया, उसमें पकड़ बना लिया। जब वो लग आपने उसमें लगा दिया, लग चार प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते, चार प्रकार के, आयताकार, वृत्ताकार, और एक आपका चूल्हे की स्टाइल में होते हैं, और नेक्स्ट आपका जो होता है वो गोल होता है।
मतलब वर्गाकार होता है, सॉरी। ऐसे करके चार प्रकार के होते हैं, वो लगापन आगे को पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं। इस लग को क्या करते हैं, आपने इसके अंदर मतलब वायर को इसके अंदर कर दिए और यहाँ पर क्रिपिंग टूल से इसको क्या किए, अच्छे से दबा दिए। दबाने के बाद अब उस चीज को आप यहाँ पर लाकर पॉइंट से क्या है उसको कस सकते हो, लग्ज जो लग्ज है उसको उसके ऊपर स्क्रू से कस सकते। अब यहां से जो सप्लाई आएगी आपकी, इस सप्लाई में जब भी ये सप्लाई इन पे जाएगी तो इस सप्लाई से उस रूप में क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होगी। जो लग्ज का काम, लग्ज को दबाने का काम होता है वो क्रिपिंग टूल के द्वारा किया जाता है, ये क्रिपिंग टूल है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण काम क्या है, वो है यह 0.5 से 6 मिलीमीटर तक की केबल को क्रिपिंग करता है। ये आप ध्यान रखिए, पेपर में ये पूछा जाता है आपसे, ये वाला टॉपिक 0.5 से 6 मिलीमीटर तक की केबल को क्रिपिंग करता है। इसका यूज एल्युमिनियम, कॉपर, ये तो आपके कंडक्टर है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया आपका यहाँ पर, और नेक्स्ट आपका मान लो आपको लेना है जो भी चांदी के भी आपके फ्यूज लगे होते काफी जगह, जस्ते के लगे होते आपका, तो उन चीजों के लिए आपका ये रहता है। अब यहाँ पर आपका क्या है, विद्युत में ली जाने वाली क्रिपिंग टूल की लंबाई जो होती है वो 200 मिलीमीटर होती है, मतलब 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, ये उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। समझ में आई बात, तीनों टूल्स हमने पढ़े, आगे को और जो टूल्स रहेंगे उनकी जानकारी लेंगे। अभी कुछ दिन के लिए आपकी छुट्टी लग रही है, कंटिन्यू दीपावली के अवसर पर आपकी कंटिन्यू क्लास अभी थोड़ी दिन के लिए रुकी रहेगी, 30 तारीख से आपकी पुनः क्लास वापस हो जाएगी। जब तक के लिए नमस्कार।